जो 11 फरवरी 2020 कलेक्टर श्री मनोज पुष्प द्वारा बताया गया है कि बीती रात भीलवाड़ा के पास वाहन दुर्घटना में मृतकों के परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2-2 लाख की सहायता राशि मंजूर की गई है। वहीं घायलों के परिवार को 50-50 हज़ार की सहायता राशि मंजूर की गई है। सड़क दुर्घटना के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके तहत मृतकों के परिवार को 15-15 हज़ार की सहायता एवं घायलों के परिवार को 7,500-7,750 सहायता राशि मंजूर की गई है। कलेक्टर द्वारा बस से हुई दुर्घटना के संबंध में प्रभारी अधिकारी के रूप में अनुविभागीय अधिकारी गरुड़ एवं एडिशनल SP गरुड़ को बनाया गया है। दोनों अधिकारी समस्त व्यवस्थाओं को देखेंगे और सभी मृतकों को अपने गांव लाया गया जहां हजारों की संख्या में गांव वाले पहुंच गए और 7,500 रुपए घायल को स्वीकृत कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतक के लिए 2 लाख रुपए और जो घायल हैं उनके लिए 50,000 रुपये की घोषणा की है और ये राशि उनको मुहैया कराई जा रही है जो उनके आश्रित लोग हैं उनको। और अभी वर्तमान में सभी जो डेड बॉडी है वो गांव में पहुंच गई है और प्रशासन की देख रेख में वहाँ पर अंतिम क्रिया का काम चल रहा है। किसी शादी फंक्शन में जाके ये लोग लौट रहे थे और रोडवेज की बस बहुत तेज़ी से आ रही थी, वो बस का संतुलन बिगड़ने से सामने से आ रही थी और हेड ऑन कोलिजन हुआ, जिससे कि मौके पर और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दोनों मिला के 9 लोगों की डेथ हुई है। 6 लोग अभी वहाँ घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। प्रशासन की टीम रात में ही पहुँच गई थी वहाँ और उन्होंने जो भी मौके पर आवश्यकता हो वो भीलवाड़ा के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ समन्वय करके उन्होंने वहाँ कार्रवाई की है। वहाँ से डेड बॉडी यहाँ ले आए हैं और जो घायल हैं उनके उपचार की व्यवस्था वहाँ पूरी तरीके से की जा रही है और अभी भी एक हमारी टीम वहाँ पर उपस्थित है और वो भीलवाड़ा के प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर इलाज उनको दिया जा सके। 2 घायल गंभीर अवस्था में हैं। हमारी अभी थोड़ी देर पहले भी कलेक्टर भीलवाड़ा और CMHO जो है वहाँ के हॉस्पिटल के उनसे बात हुई थी, तो 6 में से 2 लोग काफ़ी गंभीर हैं।